आपको जैसे आज बताया टू थाउजेंड नाइन आज जाके शाम में देख लेना कितना नॉलेज मिलेगा देखो सर और एक डाउट बोलिए सर व्हाई शुड बी द टेलोमियर मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेलोमियर लूज क्यों होता है क्योंकि दोनों डीएनए हम जोड़ेंगे ना तो जब टेलोमियर कोड्स फॉर नथिंग वो तुमने बाद में जोड़ा हुआ है सब अभी जैसे तुम लोगों को घर से जाना है तुम्हारे घर में किसी को ड्राइविंग नहीं आता है तो तुम क्या करोगे सर uh, ड्राइवर लेकर taxi... जाओगे यू टेक अ ड्राइवर नहीं कार है तुम्हारा बट आपका कार है बट आपका ड्राइवर नहीं है समझे कि नहीं तो आप एक ड्राइवर हायर करोगे एंड आप मेफेर में खाना खाने गए तो ड्राइवर को अंदर लेके जाओगे कि नहीं यस सर लोके जाओगे ड्राइवर को मेफेर में खाना खिलाने के लिए सर डिपेंड्स हम कब जा रहे हैं सर मैंने सच बोला करो मेरे को झूठ मत बोला करो आप नहीं सर नहीं, नहीं नहीं वेट करने को बोल दे हां अगर तू ड्राइवर को मैं तो सर लेकर जाएंगे एवरीबॉडी इज नॉट जजेस समझे कि नहीं सब ड्राइवर का वो लोग कार में बैठा रहेगा तुम अंदर जाओगे खा पी कराओगे नहीं सर लेकर जाएंगे ओ हवा मत कर मेरे को दादा ओके बंगाली नहीं सर शॉर्ट अप बंगाली लोग तो और भी सेल्फिश होता है आई एम मोर बेंगोली देन यू दादा सो आई थिंक यू शुड बी शटिंग योर माउथ तो मैं तुमसे ज्यादा बंगाली हूँ बेंगोली आई एम बेंगल ओडिया समझे स्टूप इट चलिए डेंट अंडरस्टैंड अब हम लोग आगे चलते हैं तो इसलिए वी हैव डिस्कस द टू मीयर्स ऑफ द द्रोमोजोम अब हम अदर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे तो नाउ इन सम क्रोमोसोम्स आप एक और कंस्ट्रिक्टेड एरिया देखोगे या कुछ और कंस्ट्रिक्टेड एरिया देखोगे तो उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फाइन सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन तो व्हाट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलिए सो so, याद है कि नहीं तो अगर आप एक ही कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वो है प्राइमरी दट इज सेंट्रोमियर उसके बाद जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वो है सेकेंडरी इसलिए कल बोल नहीं देना ये टर्सरी क्वार्टर कॉन्स्टि कहे ये क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, है नो आफ्टर प्राइमरी ऑल अदर्स आर सेकेंडरी ठीक है तो आफ्टर प्राइमरी ऑल अदर्स आर सेकेंडरी अंडरस्ट तो इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं नाउ सो दीज आर ऑल दिनल कॉन्स्ट्रिक्शंस ओके कॉन्स्ट्रिक्शंस फाउंड इन द क्रोमोजो ठीक है तो क्रोमोजोम्स में ये ऑल द अदर एडिशनल कंस्ट्रिक्शंस हैं ठीक है नाउ दे आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स दैट हेल्प टू रीजेनरेट द न्यूक्लियोलस है कि नहीं

तो अब सेल को रिजेनरेट करना है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को तो इसलिए न्यूक्लियोलस का आना जरूरी है ठीक है सो हेंस दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनओआर आर रीजन ठीक है तो इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर रिओर्गेनाइजिंग रीजन ठीक है Now the stretch of chromosome beyond the uh, NR region is known as Kya. N-R region is known as Polokya. इट ये दैट इज नोन एज सेटे लाइट और ट्रेबैंडो से है दीज आर रिच इन सैट डीएनए ना वट इज सैट डीएनए दे आर साइन एसिड थाइमो न्यूक्लियनिको ओके सो साइट डी एन ए का मतलब होता है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको ओके नाउ तो सच क्रोमोजोम्स Are also known as what? Sat chromosomes. Okay. Sat chromosomes are rich in plant cells, and hence, n-bending. हेल्प टू डिफरनशिएट प्लांट एंड एनिमल सेल्स सपोज आपको कोई बोलेगा कि हाउ यू डिफ्रेंशिएट प्लांट एंड एनिमल न्यूक्लियस तो आप कैसे बोलोगे उसको एन बैंडिंग कहते हैं तो आप लोग सेल जेनेटिक्स में बैंडिंग सारा कर चुके हो तो उसमें जो एन बैंडिंग है दैट इज कॉल्ड एनओ आर सेंसिटिव बैंडिंग है कि नहीं इसको हम लोग एनओ आर सेंसिटिव बैंडिंग कहते हैं ठीक है तो इसलिए एनओ आर सेंसिटिव बैंडिंग से आप प्लांट एंड एनिमल सेल्स को डिस्टिंग कर सकते हो अंडरस्टोड सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वट सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर सेटेलाइट ओके कुछ पूछना है तो पूछिए तो आगे चलेंगे बोले कुछ पूछना है ना चलेंगे आगे सर आगे चलिए सो ना दिस इज द कंसेप्ट तो इसीलिए सैट जो है तो सैटेलाइट जो है अगर है तो आपका सबसे बढ़िया टेलोमरेज का आप एक और नाम हम लोग याद यूज कर सकते हैं उसको टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम भी बोल सकते हो ओके okay? जो टेलोमरेज है उस एंजाइम को आप टर्मिनल ट्रांसक्रिप्शन भी बोल सकते हो ठीक है टर, टर्मिनल ट्रांस क्या टर्मिनल क्या बोले थे टर, ट्रांसफरेज टर्मिनल ट्रांसफरेज क्योंकि वो टर्मिनस को टूटू टू कर देता है ओके okay? सो दिस इज दस चलिए सो नाउ लेट्स गो अहेड तो इन द केस ऑफ आपका क्रोमोजोम हम लोगों ने अभी तीन मेन चीज देख लिया जो बाहर से दिखता है आपको बाहर से एक तो टेलोमियर uh, दिखेगा एक तो सेंट्रोमियर दिखेगा एंड एक आपको दिखेगा क्या तो यू विल सी द सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन अब हम लोग थोड़ा अंदर झांकते हैं कि और क्या चीजें अंदर है फाइन सो ना इफ वी गो टू अ डायग्राम तो उसमें हम देखेंगे मैं बता रहा हूं आपको एक सेकेंड कहाँ गया नोबल प्राइज हो गया ये वाला चलिए सो नाउ लेट मी टेक यू टू अ डायग्राम ना इन क्रोमोजोम जो हम लोग बेसिक डायग्राम बताते हैं तो वो आपका दिखाते हैं कि उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होता है है कि नहीं तो वही अलग अलग कंपोनेंट्स हम थोड़ा देखेंगे खुल जा सो दिस डायग्राम लेट अस सी ना लेट मी शेयर द स्क्रीन ये वाला तो ये थोड़ा बड़े में ज्यादा क्लियर नहीं है तो इसीलिए ये छोटा डायग्राम ही देखा जाए ना तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर सींग इन दिस तो सबसे ऊपर आपका टेलोमियर क्लियरली विजिबल है है कि नहीं सो दिस इज कॉल्ड टेलोमियर है कि नहीं सबसे ऊपर आराम से विजिबल है फिर आपको ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ना आप कैसे पहचानोगे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कौन सा है तो दिया तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको बोलोगे हाउ यू आइडेंटिफाई कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है बोलो तो ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ठीक है, तो so, ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। फाइन, दिस इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। आप, तो ये हमारा बाहर का काम खत्म हो गया। अब अंदर अगर आप ध्यान देंगे, तो यहां आपका दिख रहा है अंदर एक पॉइंट दैट इज कॉल्ड द क्रोमोनीमाटा। तो व्हाट इज क्रोमोनिमाटा क्रोमोनिमाटा इज द क्रोमाटिन मटेरियल एक्चुअली क्रोमाटिन मटेरियल को हम लोग क्रोमोनिमाटा कहते हैं ओके द जेनेटिक पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम एंड अल्टीमेटली यहां आप देख रहे हो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स में आपका क्या मिलेगा ओके इन द मैट्रिक्स यू विल फाइंड क्या एच एंड सॉरी मैट्रिक्स में आप क्या पाएंगे एच सी पी एंड पी एंड पी तो व्हाट इज एच सी पी हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन व्हाट इज एन एच सी पी नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन तो ये सारा चीज आपको क्रोमोजोम में मिलेगा अंडरस्टूड तो इसलिए ये डायग्राम हम सेव कर देंगे आपके लिए चलिए हमको इम्यून सिस्टम भी भी एन सी है ना तुम लोग कुछ तो याद रखते नहीं तो इसलिए फिर मेरा ज्यादा वाट लग जा रहा है तुम्हारे चक्कर में इसलिए मैं सोचता हूँ तुम लोग को एनसीआरटी पढ़ा देने से ही अच्छा है क्योंकि तुम लोग चाहते ही वही हो बेकार में मैं तुम लोग तुम्हारे भले के चक्कर में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना कौन चोटा तो इम्यून सिस्टम बाकी सारा बायोटेक्नोलॉजी आपको नॉर्मल पढ़ा देने से होगा जो बुक में दिया है ना कौन चोटा कह तू तू जो कहू नो सर नो सर मैंने एनसीआर ही पढ़ाऊ तो नो no, सर तो क्या पढ़ाया जाए बताओ सर जेसीआरटी जो पढ़ो सर काहे तो फिर तुम लोग याद तो कुछ नहीं रखते ना एक्चुअली तो कोटाटा को हमें प्राइमरी नहीं जाने जानता सर भोल पिलाटा आओ अबे तो अंशुमान अंशुमान भी पाठ पढ़ू नांती आओ मिलन तो से क्वाड पढ़ला नि से तेल बिकला नि बदे पेट्रोल पंप रे और से भी किसी पाठ पढ़ाऊ नहीं है कि नहीं तो ऐसे और क्या तो देअर एंजॉयिंग दी कालू क्लासेस सर ना क्या बोल रहा है ओटा तू बता बोलो माने आ, माने मिलन आ आछी क्लास पास करू ना नहीं यस सर अच्छी सर जो मिलन को तो मैं अभी सुना नहीं एक सर, पूरा पूरा जो कोरोना ब्रेक में मिलन का आवाज सुनाई नहीं दिया अंशुमान का आवाज सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो तो अपना वो माइक एक तो पचास रुपया देके खरीद नहीं रहा है एंड सो ऑन कौन कर तू निजे बुझा मत ओटा मु कौन करीबी दुनिया रे को चलिए तो हो गया तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम आप तुम लोग को मैंने नंबर अंबर पढ़ा दिया था कि नहीं क्रोमोजोम नंबर बोलो क्रोमोजोम नंबर हम लोग पढ़ लिए थे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पैकेजिंग का एक फोटोग्राफ दिखा देता हूं आप लोग को एक अच्छा सा डायग्राम ऑफ पैकेजिंग है कि नहीं पैकेजिंग का डायग्राम देखिए दिस इज हाउ एक्चुअल क्रोमोसोम लुक्स लाइक देख रहे हो तो इट इज फ्लडेड विद द डीएनए इस तरह से दिखेगा तो देख रहा दिस इज फ्लडेड विद द डीएनए सर हाँ बोलो हाँ स्क्रीन शेयर है नहीं सर स्क्रीन शेयर है नहीं ओ तुम लोगों को मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ ना तुम लोगों को इसलिए कि ना तुम लोग तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना बस काली टू मुझे भावुची जो आका सर बॉयडा खोल के पढ़ा देना जीवन ना मैंने उसको खोल के लाइन लाइन पढ़ा देंगे तुम लोग को भी खुशी हो जाएगा जो बुकलेट आकाश बुकलेट तो उसको लाएंगे एंड श्रद्धा से एंड उसको पढ़ा देंगे क्योंकि मेरा आकाश बुकलेट में उससे भी अच्छा माल है मेरे पास जो आकाश बुकलेट है उसमें ज्यादा है चलिए तो समझ रहे हो जो तुमको नहीं चाहिए तो ये आपका पैकेजिंग है देख रहे हो सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए यहां आप क्या देख रहे हो दिस इज डीएनए ये जो डी है वो कितना डायमीटर है सो so, डाया इज़ इक्वल टू टू समझ रहे हो तो इसका डायमीटर आपका टू नैनोमीटर होता है फिर जब हम उसको पैक करके हिस्टोन्स बनाते हैं सो दिस इज हिस्टोन तो हिस्टोन में आपका डाया क्या हो जाएगा सो तो ये बन जाता है कितना इलेवन नैनोमीटर तो देख रहे हो तो अब हमने दो मीटर चौड़ा डीएनए को ग्यारह मीटर नैनोमीटर चौड़ा डीएनए बना दिया कैसे तो हाउ वी हैव मेड इट बाय एसोसिएटिंग विथ प्रोटीन तो इसीलिए व्हाट इज न्यूक्लियोजोम न्यूक्लियोजोम को मैथमेटिक्स में हम क्या लिखेंगे 200 हंड्रेड बी डीएनए प्लस क्या कितना हिस्टोन्स नाइन 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 क्यों नाइन स्टोन्स बोलो टू एक ऑक्टामर और एक एच टू इंटू एच टू एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर प्लस एच वन है कि नहीं H1. तो ये हमारा कंसेप्ट है ठीक है जी सो दिस इज द केस ऑफ दस क्लियर तो ये हमारा ऑक्टोमर्स है ना तो अब ये इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा सो so इसका हिस्टोन का नेट चार्ज इज इसका मतलब आप क्या कर सकते हो आप इसको जैसे मर्जी पैक कर सकते हो तो आप जब उसको हम पैक करते हैं इस मॉडल को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड मॉडल तो उसको आफ्टर हिस्टोन्स वी मेक देम इनटू ए सोलेनॉइड तो सोलेनोइड मॉडल जो है वो क्या होता है वो थर्टी नैनोमीटर्स का टाया होता है ठीक है तो हमने दो नैनोमीटर को अब क्या बना दिया थर्टी नैनोमीटर ठीक है जी सो दिस सोलेनॉइड मॉडल इज नाउ हाउ मच इट इज नाउ इट इज थर्टी नैनोमीटर दो काला में ही देखेगा हो गया अब ए सोलेनॉइड को हम लोग लूप्स बना रहे हैं देख रहे हो सो दिस इज कॉल्ड लूप डोमेन्स ओके लुप्ड डोमेन्स एंड इसका डाया कितना हो गया 300 हंड्रेड नानोमीटर ठीक है तो लूप डोमेन्स का डायमीटर हो गया 300 हंड्रेड नानोमीटर अल्टीमेटली वो क्या बनाता है क्रोमाटिन ना क्रोमाटिन का डाया कितना हो गया 700 सौ अल्टीमेटली वो बन जाता है क्रोमोजोम ओके क्रोमोजोम एंड उसका डायमीटर कितना होता है डाया इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है जी सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर सेल्स ठीक है तो so ये पूरा तो अब हमने एक टू नैनोमीटर डीएनए को बना दिया टू नैनोमीटर थिक तो इसलिए आपको वो डीएनए नहीं दिखता था बट अब वो बन गया 1400 नैनोमीटर थिक सो नाउ यू कैन सी दैट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ठीक है तो अब उनको माइक्रोस्कोप में देखना आसान हो गया क्लियर सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए तो ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक ख़त्म सो नाउ दिस डीएन दिस टॉपिक इज ओवर तो इसलिए एक क्वेश्चन आया था आईजर में ओके सो दू अ क्लास वर्क इन आईजर एग्जाम आईजर में एक क्लास वर्क हम लोग करते हैं सो ए डी एन एके A DNA has fifty thousand base pairs. Calculate the number of histone proteins required for the. Cat. डीएनए है नंबर ऑफ इस बताइए कैसे निकाला जाएगा सर हाँ बोलो फिफ्टी थाउजेंड को टू हंड्रेड डिवाइड कर देने से एक न्यूक्लियोज का नंबर निकल जाएगा फिर उसमें नाइन मल्टीप्लाई सर अंशुमन माइक खरीद लिया सर लैपटॉप ले आया अब तू कथा सुनन जमा ग्रेजुएट सर तो देख ले सर काली मु कहि सर काली आंसर दे थीली सर ओके वेरी गुड तो अब व्हाट इज टेलिंग फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद क्या किया डिवाइड कर दिवाएड दिया, दिया दिवाएड 200, 200 से डिवाइडेड बाय 200 कितना आया टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी उसके बाद क्या किया मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड टू फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई नाइन ये कितना आ गया 250, 250, 250, टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो टू टू फाइव जीरो तो दिस इज आंसर तो समझ रहे हो इसलिए बिना जेजेस का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा एंड देखो कि नहीं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप देखो मैंने यू हैव टू जैसे कल मैं प्राइम फोर्टी इलेवन स्टार्ट किया एंड यू नो उसमें कुछ सुनाई ही नहीं देता है क्योंकि कुछ भी पूछ दो ना पैंतालीस बच्चा आंसर करता है बट तुम्हारा बैच उसका जोग्राफिकली अपोजिट है कुछ भी पूछ दो तो कोई आंसर नहीं करता है कि नहीं so like that. तो इसलिए वो आप सर, हाँ बोलो सर एक केस रे हमें लिंकिंग डीएनए गुड़ा को तो हमें कंसीडर करूं ने को लिंकिंग डीएनए सर जो हिस्टोन कम भीतर भी मैंने से जो मैंने जोड़ा लूज डीएनए वड़ा थी बा नो 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 वो उसमें कंसीडर्ड है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एक्चुअली आप जानते ना? नहीं हो ना सी मैंने चलो जो डाउट पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ

इन टर्न ऑफ डी एस डीएसडीएन ए अराउंड हिस्टोन ऑक्टोबर कोर क्या होता है एटी फोर बी पी एस डी एन एज इन्वॉल्व समझ रहे हो इसमें एटी फोर बेस्पेयर होता है ओके चलिए सो नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू कहते 1.75 हमने डिस्कस किया था कि नहीं सो नंबर ऑफ बेसेस कितना है नंबर ऑफ कितना हो जाएगा एट्टी फोर प्लस फोर्टी एट कर दो 84, 147 फोर्टी सेवन एक्चुअली इट इज 146 एक्चुअली ये नियरली 1.75 होता है ना तो आपका टोटल 146 फोर्टी एक झापड़ मार दूंगा अभी तो मैंने बोला ना ये नियरली 1.75 होता है तो ये एक्चुअल डाटा है ये नियरली डाटा है समझ रहे हो तो 146 बेस पेयर्स बट एनसीआर टी एनसीआर टी कहूची 200 बेस पेयर्स पर न्यूक्लियोसोम इसका मतलब फिफ्टी बेस पेयर्स क्या है 54 बेस पेयर्स इज इक्वल टू लिंकर डीएनए ओके व्हाट इज लिंकर डीएनए connects to his stones okay now please remember that the 146 bps is is a constant entity but the linker DNA इज हाईली वेरी एबुल ठीक है सो इट कैन वेरी फ्रॉम ट्वेंटी टू हंड्रेड और मोर तो समझ में आया कि नहीं तो इसीलिए हम लोगों ने क्या क्या एनसीआरटी कैसे 200 बोल रहा है वो टोटल डीएनए ऐड कर दिया होगा उसमें हिसाब किया होगा कि कितना आपका निकला है क्या तो हाउ मच उसमें से निकला बोलो कितना हिस्टोन्स आप अगर हिस्टोन इतनी की अच्छी एक न्यूक्लियोजोम एंड डीएनए की अच्छी तो जितना माइनस में मिला वो लिंकर डीएनए है तो उसका उन्होंने मीन निकाल दिया समझ रहे हो तो इसलिए जो 200 पर न्यूक्लियोजोम है ये एक मीन निकाला हुआ आंसर है ये एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं है एब्सोल्यूट आंसर कौन सा है 84 फोर बेसपेयर पर टन एब्सोल्यूट आंसर क्या है 146 फोर्टी सिक्स पर न्यूक्लियोजोम बट लिंकर डीएनए जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है सही है ओके तो इसलिए हम कैलकुलेशन के लिए वाई दे हैव मेड इट इट 200 यू नो इज इजी टू कैलकुलेट अगर 200 के जगह 197 लिख देते तो तो कुछ ना कुछ तो मेहनत लग जाता कि नहीं सो लाइक दैट यस तो अब आ आके आपका तो इसलिए दिस इज इंक्लूडिंग वेन यू आर एडिंग टू हंड्रेड इट इज इंक्लूडिंग द लिंक वेरी गुड क्वेश्चन एज यूज होटा का जो क्वेश्चन है वो बैच को मदद करता है आई लाइक हिम हाँ बोलो बोलो और सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अगला वीक हो जाएगा हमारा तो अगले वीक से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एट लीस्ट नॉट इवोल्यूशन ठीक है कि नहीं चलिए और बोलिए तो आप जल्दी जल्दी पूछ लो हमने एग्जाम सॉल्व कर लिया था तुम्हारा क्लास का हाँ सर सर क्रोमोजोम नंबर नहीं हुआ था सर हाँ तो आपने बताया क्यों नहीं तो चलिए सो तो अब आप, आपको पढ़ा दिया जाए बता दो नहीं तो फिर मेरे को पीछे कर लीजिए फायदा कुछ नहीं है सो ना हो क्रोमोजोम नंबर तो प्लीज रिमेम्बर एट इज also an absolute data it is a constant value okay it is a constant value with respect to every organism okay every organisms okay change in क्रोमोजोम नंबर रिजल्ट इन ए चेंज इन क्या ऑर्गेनिज्म ओके okay, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे चेन इन क्रोमोजोम नंबर रिजल्ट इन ए चेंज इन ऑर्गेनिज्म तो इसीलिए जाए जैसे इवोल्यूशन में फोर्टी एट था बंदर और हमारा एंसेस्टर बट उसमें से एक भाई फोर्टी सिक्स हो गया तो so जो भाई फोर्टी सिक्स हो गया वो लाइन होमो बन गया जो लाइन रह गया, वो लाइन आपका क्या बन गया तो दैट रिमेन्स एज क्या दैट रिमेन्स एज योर मंकी लाइन या गोरिल्ला लाइन या चिंपैंजी लाइन ठीक है तो दिस इज अंसेप्ट और बोलो तो इसीलिए ना दिस इज अ फिक्स डाटा जिसको आपको याद रखना पड़ेगा सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस डाटा ठीक है जी तो so ये आपका क्रोमोजोम नंबर का कंसेप्ट है सो फॉर दैट वी कैन गो टू ए वेबसाइट सो दैट यू विल गेट द एब्सल्यूट डाटा क्योंकि दिस थिंग्स डिड विथ टाइम बदल देते हैं कभी कभी तो इसीलिए हम लोग इस चीज को याद रखेंगे फाइन आई हैव आई आई शेयर शेयर द स्क्रीन नॉट विल है तो ये आ गया शेयर आपका नाउ प्लीज रिमेंबर ये आपका डिफरेंट क्रोमोजोम वैल्यूज है ठीक है सो so, आप क्या देख रहे हो सो दिस इज द क्रोमोजोम नंबर इन सम प्लांट्स सम एनिमल्स

ओके सो दिस इज योर नाउ दिस इज योर अरेबिड खलियाना ओके सो दिस इज योर फोटो दिख रहा है कि नहीं yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मजा yes, आ रहा है कि नहीं बोलोगे सर नेट दिखा रहे हैं चीटिंग कर रहे हैं अरे तो ये मैं कैसे फोटो आपको दिखाऊंगा तो दिस इज मेज तो मेज जो है वो आपका ट्वेंटी बिकॉज ये वीडियो में भी आप देखोगे ये चीज तो आपको ये बार बार मदद करेगा तो मेज में अराउंड ट्वेंटी क्रोमोजोम्स होता है ड्यूरम व्हीट विच इज टेट्राप्लॉइड व्हीट उसमें आपका क्या होता है नीचे आओ। तो ये ऊपर चला जाए।